पावर बैंक की पावर खराब है। बकरी के ऊन का है अभी? अपने हाथ से बनाई, अपने हाथ से बनाया हुआ। लच्छू जो है पकड़ने के लिए गया है। वेरी गुड लच्छू भाई। यार यहाँ का जीवन कितना अच्छा है। ये तो अभी लच्छू को मार देती, मेरे को मजा आता। लच्छू के पीछे पीछे लग गए। ये तो अभी लच्छू को मार देती, मेरे को मजा आता। लच्छू के पीछे पीछे लग गए। ये देखो बुब्बू जी अब अपनी वेशभूषा धारण कर रहे हैं। अच्छा ये क्या अबू? कंबल। अच्छा कंबल है। अच्छा बकरी की ऊन का है अभी? अपने हाथ से बनाई, अपने हाथ से बनाया हुआ। मेड बाय इंडिया, मेड बाय बुब्बू। ये देख, ये देख, ये बस पैक हो गए। अच्छा अभी और है। अच्छा ये रस्सी भी मेरे को काम मिल गया है। हजार रुपये सैलरी। ये इधर की क्या ले जाऊंगा फिर बब्बू? फोटो ले आ रहे, फोटो ले आ रहे, वीडियो बना रहे। ये देखो और ये कितनी खतरनाक खतरनाक है। ये बकरियां, ये बकरियां है आगे वाली, लंबे लंबे बाल वाली। और ये बाकी सब भीड़ है। वो देखो बीच में एक दिख भी रही, उसके सींग कितनी खतरनाक है। देखो वो दिखाओ, मिंडे मिंडे दिखा लो। कट्टे की बांध रखी इनमें, कट्टे सामान लाने के लिए। ये देखो वो कुछ लोग चले भी गए। देखो वहां का देखो ना, वो आगे आगे चल रहे हैं बकरी, अपने आप उनके पीछे पीछे जा रही है। तो दोस्तों अभी हम इन बुग्यालों को छोड़ देने वाले हैं कि बब्बू जी वहाँ जंगल को चले गए और हमने भी खाना वाना खा लिया। तो अब जो है हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं और देखते हैं कि ऊपर को कैसा है। और वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ का, वहाँ प्रदीप लोग तो बोल रहे थे कि मैदान जैसा है करके, लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ को कैसा है, क्योंकि ऊपर को चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा ही होने वाली है। देखो ऐसे एकदम से पूरी स्टेट चढ़ाई है ऐसे ऊपर को, ऊपर वहाँ जाना है। और एक ही दिन में इतनी ट्रैकिंग कुछ ज़्यादा हो गई। अब नीचे को जाना भी है, अभी बहुत टफ हो जाएगा। तो बाकी आपको दिखाते रहते हैं। तो ये देखो अभी इतना सुंदर सा घर है वो, और हम लोग वहाँ जो प्रदीप के बब्बू वहाँ रहते हैं। और देखो कितने, मतलब यार कितना प्यारा लग रहा है। देखो तो अभी नीचे जंगलों को पार करते हुए और सामने हिमालय की थोड़ी बहुत चोटियाँ दिख रही है, उधर वाली दिखनी चाहिए थी, लेकिन अभी पेड़ भी लगे हैं, बाद में ऊपर से कहीं दिख गया तो, और बादल भी लगे हैं। लेकिन अब जो मेरे सामने है वो बहुत ही असम वाला प्लेस है। देखो बीच में हमारे, यहाँ पर हमारे बीच में फोटोग्राफर प्रदीप, लच्छू मामू, और ये देखो इतना प्यारा सा व्यू। और ये हमने अभी किधर पे जाना है? सामने ऊपर को जाना है। यहाँ से ऊपर हमारे बीच में जो हम अपने साथ अपने गाइड को ला रखे हैं, वो आपके यहाँ पर के बारे में कुछ बता रहे हैं। सर हमें यहाँ नेटवर्क मिल नहीं पा रहे हैं। तो सर हमें यहाँ ना नेटवर्क नहीं मिल पा रहे। ये हमारा जो ये प्लेस है, ये कुछ ये मकान के पीछे है। हाँ, एक गैप में है। यहाँ नेटवर्क आ नहीं पाते। अच्छा तो क्यों नहीं आ पाते सर? गैप में है जरा। अच्छा इसलिए यहाँ नेटवर्क ढंग से पकड़ देंगे। तो सर आप क्या इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे? यस हम ऑफ कोर्स। आगे आगे सर। यस सर दिस इज अ गैप प्लेस। यार ये लोकेशन ना कसम से यार, पता है मन कर रहा है कि मैं यहाँ क्यों नहीं रहता हूँ। लेकिन सच में मैं प्रदीप और लच्छू को थैंक यू कहूंगा, तुमने अपना घर यहाँ बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तुम्हारा धन्यवाद भी, तुम्हारे आमा बुबू का जिनने यहाँ घर बनाया। मतलब होने को कठिनाइयाँ बहुत है, मतलब रहन सहन बहुत ही ज्यादा टफ है। अभी आपने देखो ऊपर जंगल में उस बुबू के लोग कैसे रहते हैं, कहाँ नीचे रह गया। अभी ये ना ये सामने पूरी पहाड़ियाँ जो है भी बादल से ढक चुकी है, वरना पूरा हिमालय पर्वत दिखता है। वो उधर साइड में आपको कहीं के पर नहीं दिख रहा, कैमरे से दिख रहा, आंखों से दिख रहा है। और उधर साइड वो ऊपर टॉप टॉप में ना बर्फ गिरी, यानी कि पूरा ये पहाड़ है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। पहले तो हमारा प्लान वो ऊपर जाने का था, लेकिन मौसम ज़्यादा ही खराब हो गया। और यहाँ पर जो है वो पीछे भी देखो कितना प्यारा था, तो सही प्लान, लेकिन अब ऐसा ना लेट हो चुकी है। हम लोग घर से इसकी वजह से लेट हुए, आ रहे करके इसने बहुत देर लगा दी। तो दोस्तों अब हम जितना ऊपर आते रहे हैं और हवा भी बहुत तेज हो रही है, पूरा गला ऐसा लग रहा है ठंडा सा हो गया होगा। हेलो गाइस दिस इज आइस, द
बैठा गिर गया था। ये बर्फ है ना, पर ये बर्फ ऐसी कैसे क्यों गई है? उठा दो लच्छू, उठा दो मामू, मैं तो नहीं उठाना। ये देखो, ये इस वाली उठे मिट्टी वाली, मिट्टी के जो लगी है। हाँ हाँ निकलेगी वो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, लेकिन ऐसी क्यों गई पड़ती फिर? अरे ये जम गई है ये। अबे साले बर्फ जम, जब पानी जमता है तभी बर्फ बनती है। ये मेरे दादाजी है वो मत, इसके दादाजी का हमने गिरा दिया, साफ कर दिया यार इसको, या मिट्टी में पोस दे। अब उसको हम साफ करेंगे, बहुत ही उसमें यहाँ से कीचड़ वीचड़ लग गया। ये है ना, ये नमी बनी रहती है। अच्छा, लेकिन सच में यार नीचे को ना बहुत ही नमी है, लेकिन यहाँ पर जो हवा चल रही ना, हवा भाई गॉड, ऐसी बर्फीली हवा चल रही है, देखो ये हिल रहे हवा से। यहाँ बर्फ जमना स्टार्ट हो गया है, ये कुछ टाइम बाद यहाँ पर पावर बैंक गिरेगी ना। पावर बैंक की पावर खराब हो गई, तो पावर बैंक की पावर जो खराब हो गई है। और देखो अभी वो नीचे जो बुग्याल था ना, वो ये था, हम जाने वाले उस पहाड़ी में थे, लेकिन वहाँ जाने का अच्छा रास्ता नहीं था, ज्यादा ही खराब हो रहा ना। हाँ मौसम देखे तुम, खुद देख लो ऊपर को, मौसम देखो साइड दिखा, कोहरा नीचे को बैठ रहा है। हाँ अच्छा सा दृश्य। तो दोस्तों अभी हम लोग ये पूरा जंगल पार करते हुए, और जंगल ऐसा भी नहीं कि अच्छा अच्छा है, थोड़ा डरावना जैसा था ही, क्योंकि सुअर वोर ने कुछ खोदा भी था और जंगली भैंसे भी होते हैं बलिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ एक प्यारे से व्यू पॉइंट पे, और हमने अभी सुबह से चलने में ही है, चलते चलते बहुत थक गए हैं क्योंकि, और वीडियोज में तो ऐसा लगता है टुप 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 पहुँच गए, पर हमारी आत्मा जानती है हम कहाँ पहुँचे हैं। अब सामने दिखाओ प्रदीप भाई, वाह, यहाँ से हिमालयन व्यू तो नहीं आ रहा उतना, लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे बुग्याल है इधर को। तो दगड़ियों अभी हम लोग यहाँ बुग्याल में पहुँच चुके हैं, देखो। तो अभी वो सामने जो आपको पहाड़ ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, बैक कैमरे से भी अच्छे से दिखाऊंगा। दोस्तों अभी हमको थोड़ा ठंडा भी होने लग गया, तो जैसा मैंने सोचा था ना कि आप लोग को मैं अच्छे से, मतलब बुग्याल तो मैंने देखो प्यारे प्यारे से बुग्याल दिखा दी है, लेकिन मैंने सोचा था कि हिमालय का दर्शन, मतलब हिमालय दर्शन कराऊंगा बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही प्यारा वाला, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि पूरे बादल लग गए। लेकिन बाकी फिर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, और अब हम लोग नीचे को जा रहे हैं, और नीचे को जाने में कम से कम 3 से 3.5 घंटा लग जाएगा नीचे को जाने में। तो अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे, और आपसे अलविदा लेता हूँ, तो अब बाय।